हाय देयर, ये ईसीओ 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 12th लेक्चर है, जिसका टाइटल है कंज्यूमर बिहेवियर कंजम्पशन साइड एनालिसिस कंटिन्यूड। इसके अंदर कंटिन्यूड है, सो द ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट फॉर द कंज्यूमर। ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट कंज्यूमर के लिए कौन सा होता है? ये वो पॉइंट होता है जहां पर बजट लाइन जो है वो टेंजेंट करती है हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व को। अब ये किस तरीके से होता है, आगे आपको ग्राफ दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का और बजट लाइन का, वो दोनों बराबर होते हैं। इन अदर वर्ड्स, MRS इज इक्वल टू द PX डिवाइडेड बाय PY इज इक्वल टू द डेल Y व्हिच इज द चेंज इन Y डिवाइडेड बाय डेल X व्हिच इज द चेंज इन द X इज इक्वल टू द MUX, उसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय द MUY व्हिच इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। अब आपके सामने यहां पर ग्राफ मौजूद है, यहां पर इंडिफरेंस कर्व है जो कि गोल कर्व आपको दिखाई दे रहा है, और स्ट्रेट लाइन है जो कि बजट लाइन है। अगर इन दोनों के बारे में आप नहीं जानते, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन, तो उसके लिए आपको पिछले लेसन देखना होंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो जो टी का पॉइंट है, यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट कर रहा है बजट लाइन को, और यही ऑप्टिमल पॉइंट ऑफ कंजम्पशन है। उसके बाद है लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। सो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के जरिए ये भी मालूम किया जा सकता है जो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन है। सो जो टी का पॉइंट आप देख रहे हैं, कई सारी बजट लाइंस दिखाई दे रही हैं, स्ट्रेट लाइंस और गोल कर्व जो कि इंडिफरेंस कर्व है। टी वाला पॉइंट जो है वो लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन पॉइंट है। सो फिगर ने ये बताया हमें कि किस तरीके से कंज्यूमर जो है वो मिनिमाइज करता है अपनी कॉस्ट को। उसके बाद नॉर्मल गुड्स एंड दी किफिन गुड्स। सो नॉर्मल गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड जो है उनके अंदर इजाफा होता है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है। जितना ज्यादा कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होगा, उतने ज्यादा नॉर्मल गुड्स की डिमांड में इजाफा होता है। और उसके बाद आते हैं फिर गिफिन गुड्स। अब गिफिन गुड्स जो है वो इन्फेरियर गुड की एक कैटेगरी है। इन्फेरियर गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड जो है वो घट जाती है जैसे जैसे कि कंज्यूमर की इनकम के अंदर इजाफा होता है। सो इन्फेरियर गुड की ही सब कैटेगरी जो है वो गिफिन गुड होती है। सो गिफिन गुड्स की अगर बात की जाए तो इसकी कंजम्पशन तब बढ़ती है जब इसकी प्राइस बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इनकम इफेक्ट की वजह से। और दोनों नॉर्मल और इन्फेरियर गुड्स का डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। अब आपके सामने इनकम कंजम्पशन कर्व मौजूद है। इनकम कंजम्पशन कर्व जो एक ग्राफ है कॉम्बिनेशन का दो गुड्स के, जो कि मैक्सिमाइज करते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन डिफरेंट इनकम लेवल्स के ऊपर। और इनकम कंजम्पशन कर्व का इस्तेमाल किया जा सकता है ड्राइव करने के लिए एंजल कर्व, जो कि रिलेशनशिप बताता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान। सो आपके सामने यहाँ पर एंजल कर्व दिखाई दे रहा है, एक इनकम है इसमें और गुड एक्स है। जैसे जैसे इनकम के अंदर इजाफा हो रहा है, सो उसके अंदर क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी फर्क आ रहा है। सो एंजल कर्व क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है इनकम और क्वांटिटी डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स के दरमियान। जैसे जैसे कि इनकम इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो नॉर्मल गुड्स के लिए ऑल्सो इंक्रीज। और यही बात यहाँ दिखाई जा रही है कर्व के अंदर, इनकम के अंदर जैसे जैसे इजाफा हो रहा है, सो नॉर्मल गुड यानी कि गुड एक्स जो है वो नॉर्मल गुड है, उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। सो उसके बाद आ जाता है फिर प्राइस कंजम्पशन कर्व। प्राइस कंजम्पशन कर्व जो है वो एक ग्राफ होता है जो कि शो करता है हाउ अ कंज्यूमर कंजम्पशन चॉइसेस चेंज, किस तरीके से कंज्यूमर की कंजम्पशन चॉइस जो है वो चेंज होती है जब प्राइस जो है वन ऑफ द गुड्स चेंज, गुड्स में से एक गुड की प्राइस जो है चेंज हो जाती है। तो सो जब प्राइस जो है किसी एक गुड की चेंज होती है तो दो चीजें होती हैं, परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो चेंज हो जाती है, बजट लाइन शिफ्ट कर जाती है। सेकंडली जो है क्या होता है कि स्लोप जो है बजट लाइन का चेंज हो जाता है ड्यू टू अ चेंज इन द रिलेटिव प्राइस रेशियो। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है प्राइस राइज का हमेशा जो है वो नेगेटिव होता है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की लिमिटेशंस जो है वो, सो इसकी जो लिमिटेशंस है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो पॉसिबल है दो गुड्स के लिए नॉर्मली, और एट बेस्ट तीन गुड्स, इससे ज्यादा गुड्स के लिए पॉसिबल नहीं है। और इट इज इम्पॉसिबल टू प्रैक्टिकली ड्राइव इंडिफरेंस कर्व, और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि प्रैक्टिकली ड्राइव किया जाए इंडिफरेंस कर्व को। और कंज्यूमर जो है जरूरी नहीं है कि हमेशा रैशनली तौर पर बिहेव वो करेगा, और कंज्यूमर में नॉट ऑलवेज रियलाइज द लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन दैट शी ओरिजिनली एक्सपेक्टेड। और कंज्यूमर जो है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो रियलाइज करे लेवल ऑफ यूटिलिटी कंजम्पशन से जो कंज्यूमर ने जो है वो एक्सपेक्ट की है, ओरिजिनली जो एक्सपेक्ट की है। और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो मदद नहीं कर सकता अगर एक गुड जो है वो
वन ऑफ द गुड्स इज आर ड्यूरेबल गुड्स, कोई एक गुड जो है वो ड्यूरेबल गुड है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इंडिफरेंस कर्व जो है वो मदद नहीं कर सकता। तो ये था लेसन नंबर 12। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।